इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। समुद्र जी ने कहा, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई पर ऋषि आशीष पाई। आप जानते हैं आशीष नहीं मिला था, शाप मिला था कि तुम जिसको जल पर डालोगे सब तैरेगा। तो जो आशीष, श्राप आशीष कैसे हो गया? शाप भी यदि राम जी की सेवा में जीव चला जाए तो उसका शाप मिला हुई आशीर्वाद बन जाता है। राम सेवा करे और अपने सेवा में लगा रहेगा तो शाप शापे बना रहेगा, उससे मुक्त होने वाला नहीं है। नल नील के स्पर्श से तैरेंगे, मैं भी शांत हो जाऊंगा। त्रेता चला गया, ये कलिकाल चल रहा है। आप जब रामेश्वरम पहुंचेंगे, आज भी समुद्र नारायण वहां शांत हैं। यहां से मध्य तक दर्शन करिए, सब जगह लहरें आती हैं, लेकिन जहां रामेश्वरम भगवान स्थापित हैं वहां लहरें नहीं, वहां तो दिव्य स्नान करिए, नीचे तक दर्शन करिए, आनंद मंगल होता है खूब। ये प्रमाण है इस कथा का। मैं भी बलनमान सहयोग करूंगा। भगवान ने कहा, इस बाण का क्या करूं? बोले, उत्तर दिशा में असुर लोग हमको अपावन कर दें, प्रभु वहां फेंक दीजिए, वो सब समाप्त हो जाएं। भगवान ने फेंक दिया बाण, असुरों का वध कर दिया। और यहाँ सुंदर कांड पूर्ण करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, निज भवन गौन वो सिंधु श्री रघुपति अहमद भायो, यह चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गायो, सुख भवन संशय समन दौ। सुंदर कांड का अंतिम भाव, रघुपति गुण गला तज सकल आस भरोस गावहि, सुनहि संतत सुनहि संत निज भवन गवदेव। समुद्र जी गए, शांत हो गए, भगवान को उनकी बात अच्छी लगी। यह चरित्र किसका? भगवान का। कैसा है? कलिमल समन, सारे लक्ष्य को देने वाला। गोस्वामी जी कहते हैं, इसको जो गाएगा कैसे, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गा, सादर सुनहि तर भव सिंधु बेना जल जा। सुंदर कांड सुनने का फल है। कुछ बच्चे ढीठ होते हैं ना विद्यालय में, जब देखो तब ठुनकाते रहते, तो ये ठुनकाते रहते थे। तो गुरुजी ने कहा कि तुम इनको बार बार मार रहे हो, अक्षय तुमको एक बार मार दिया तो तुम्हारा पता नहीं चलेगा। इसी कारण से जब पता लगाने का प्रसंग आया तो जामवंत जी महाराज ने अंगद जी को जाने नहीं दिया। पता है ना, एक के बाद ठुनकाएगा तो हाँ जय सिया राम हो जाएंगे। तो कहते हैं, क्या पंक्ति है वो, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु, यही संशय, जिय संशय कछु फिरती बार। दोबारा संशय क्यों नहीं था? पहली बार भी तो जा सकते थे। संशय ये है माँ कि अभी अक्षय है, इसलिए हनुमान जी ने पता लगवाया कि वो कहाँ है हो। तो अंकद जी ने कहा था कि देखो हनुमान जी, और कुछ ही को निपटाना चाहे ना निपटाना, उसको जरूर निपटाना, नहीं तो मेरी तो वहां नो एंट्री बोर्ड लगा रहेगा। तो हनुमान जी ने सबसे पहले अक्षय का क्षय। ये कथाएं अन्य रामायणों में है, मानस में नहीं है। मानस में जी संशय कचुपीरती बारा, गोस्वामी जी ने कहा नाना पुराण निगमागम सम्मतम, यद एक जन्म का काम नहीं है। श्री रामचरित मानस को बुझना एक जन्म का काम नहीं है,
एक साथ सात आठ पीढ़ी जब चले कथा तभी समझ में आवे। एक ही में यम को नहाय राम कथा गंगा अगम बहि जाय यमा को नहाय। अगम आपो पढ़ो, आपका बबुआ पढ़े, उन्हों का बबुआ पढ़े, तब वो ये समझ में आने वाला। अरे साहब अब देखो, आप मिला विभीषण देवी दिहाई आगे सेतु बांध कपि सेन जी में उतरी सागर पार गयो बसीठी वीरवर जय विद बाली कुमार भाल कुमार। शांति दूत बन के अंगद जी गए, रावण सुना ही नहीं, बड़ा लंबा तत्व विज्ञान का स्मरण किया है। अंगद जी ने अंत में कह दिया कि देखो भाई, तुमको मारने में कोई वीरता नहीं है, क्योंकि मारा उसको जाता है जो जिंदा हो। रावण बोला क्या बोलता है तू, मैं दिख नहीं रहा हूं। बोले नहीं, ये 14 लोग तो मरे समान है, क्या हो जीवत सवसम क्या है कौल काम बस कृपिन बिमूढ़ा अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा तन पोषक और छूट गया शुरू वाला कौल काम बस कृपिन बिमूढ़ा और ऊपर बोली 14 प्राणी का कौल काम बस कृपिन बिमूढ़ा अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा सदा रोग बस संतत क्रोधी विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी तन पोषक अपने कमाए अपने खावे निंदक दूसरे की बुराई करे अग खानी पाप शिरोमणि जीवत सवसम। ये सब लोग जीते जी मरे के समान है, तेरे में तो ये 14 गुण विराज रहे हैं रावण, मैं तेरे को क्या मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा, वही आएंगे वही बराबर हिसाब करेंगे, मैं तो आया हूं कहने कि माता जी को दे दे। रावण ने सुना, अंगद जी ने टेक दिया पांव, जो मम चरण सकहि सठ तारी फिर ही राम सीता मैं हारी। श्री सीताराम जी तो जाएंगे, मैं हार जाऊंगा। लोग अर्थ कर लेते हैं फिर ही राम सीता मैं हारी धूमकेतु। अंगद जी पुत्र हैं, पुत्र को मां की बाजी लगाने का अधिकार किसने दे रखा है? अर्थ का अनर्थ मत करिए, न समझ में आए तो चुप रहिए। फिर ही राम सीता मैं हारी। अंगद जी अपने को हार सकते हैं, दूत राष्ट्रपति को कैसे हार जाएगा? मैं कसम लेता हूं राष्ट्रपति हार जाएगा, पैर हटाओ, कोई मानेगा? दूत बर्खास्त कर दिया जाएगा। फिर ही राम सीता, राम जी तो सीता जी तो अयोध्या जैबे करेंगे, मैं हार जाऊंगा। लगा साहब भाई कोई उठा नहीं सका। रावण जब चला है तब अंगद जी ने कहा कि अरे मेरा पैर क्यों छू रहा है, राम जी का छू जाके तेरा कल्याण हो जाएगा। ये भाव है भक्त की निष्ठा, भगवान के भाव का दर्शन करा देती है। कोई नहीं हिला सका साहब, कौन राम जी का नाम लेने पर कोई हिला सकता है क्या? और दिगा रहा हिला, न कोई हिला सकता राम भक्त को, न कोई चला सकता है उसके संकल्प को, वही भक्त चलाएगा। अंगद जी ने संकल्प ऐसा शान दिया, राम जी की कृपा बरस गई। फिर अंगद जी वापस आ रहे हैं माई बाप, और राम दल की 4 टुकड़ी बनाई गई। लंका पर एक ही दिन में धावा बोल दिया गया, 9 दिन युद्ध चला है। बाबा ने 6 पंक्ति लिखी, निश्चर की सलराई बरनिस विविध प्रकार कुंभकरण घननाद कर बल पौरुष संहार निश्चर निकर मरण विधिनाना रघुपति रावण समर बखाना रावण बध मंदोदरी सोका राज विभीषण देव अशोका। एक प्रसंग यहाँ है, सीता रघुपति मिलन बहुरी। मूढ़ात्माएं बहुत हैं धरती पर, कहते हैं भगवान ने माँ की अग्नि परीक्षा ले ली। अरे भैया मेरे प्रभु ने सीता प्रथम अनल महु राखी। भगवान ने अरण्यकांड में कहा ना, तुम पावक महु करहु निवासा कब तक जब लग करहु निसाचर। अब माँ अग्नि में है तो भगवान कैसे लेंगे?
भगवान ने कहा देखो अग्नि प्रज्वलित कर लो और देवी वहीं से निकल कर बाहर आ जाएं। सब राक्षसियां रोने लगी, डोली में लेकर के आ रहे थे लोग, अरे डोली में नहीं, पैदल पैदल आओ, सारे कपि लोग अपनी माँ का दर्शन करें, ये भगवान की लीला है। लीला बताने के लिए नहीं है, समझने के लिए, भक्त के लिए है। भगवान ने साक्षी बनाया और जो प्रतिबिंब फोटो था, छाया प्रति थी, अग्नि में समर्पित हो गई। अग्नि नारायण ने माँ के सत्य स्वरूप को लाकर भगवान को भेंट कर दिया। बोले किशोरी मैया की, और मेरे परमात्मा ने मित्रों को विदा किया है। इंद्रदेव पधारे हैं, इंद्र से कहा, इंद्र ने सेवा मांगा, क्या सेवा करूं? बोले आप अमृत वृष्टि करिए, ये हमारे जो कपि लोग हैं ये हमारे साथ युद्ध में सहयोगी हैं, ये उठ खड़े हों। देवराज इंद्र ने अमृत वृष्टि की। देखिए सुधा वृष्टि भई दुहुदल ऊपर, जिए भालु कपि नहीं रजनी चर। अमृत भी दोहरा बात करता है क्या? कोई पिए तो अमर हो जाए, किसी के ऊपर गिरे तो अमर हो जाए, वो जी जाए, दूसरे नहीं। हाँ है ना, कपि लोग भगवान के साथ युद्ध लड़े और असुर लोग भगवान के सन्मुख युद्ध लड़े। भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी है, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ तब ही। तो भगवान ने इनका सुंदरकांड, इनके सबका पाप काट दिया और सब रामाकार हो गए, सब राम जी में लीन हो गए। भाई अंततो गत्वा, सब प्रताप भानु के गण हैं। प्रताप भानु जी महाराज की सेवा में थे। जो जिस भाव में रहेगा, देखिए अब इस प्रसंग में समझने की बात है, हम आप जिसका स्वभाव सात्विक है सात्विक में चला जाएगा, राजसिक है राजसिक में चला जाएगा। चाह कर स्वभाव नहीं बदल सकता कि हम चाह लें कल से हमारा बदल जाए ना। जो जिसका स्वभाव है राजसिक है तो राजसिक रहेगा, तामसिक है तो तामसिक रहेगा, सात्विक है तो सात्विक रहेगा। आप चाह कर नहीं बदल सकते हो, यह स्वभाव जन्म जन्मांतर के किए गए क्रमाण के अनुसार बनता और बिगड़ता है। आप कोशिश कर सकते हैं कुछ दिन तक बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जो इसमें विराज रहा है वही बोलेगा, वही चलेगा, वही व्यवहार रहेगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।